हेलो दोस्तों, आज 3rd of October का ट्रेडिंग सेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। बियरस्ट्रीट ट्रेडिंग फ्लोर पे ट्रेडर्स अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर चुके हैं, किसी ट्रेडर की कोई ओपन पोजीशंस अभी नहीं बची है। मैं फ्लोर के ट्रेडिंग रिपोर्ट शेयर करने से पहले बाज़ार के बारे में बताऊं तो डाउ जोन्स अभी लगभग 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड हो रहा है, और आज हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी लगभग 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। ये पूरे बाजार की उठापटक के बीच एक डे ट्रेडर अपने स्किल से अपने डेली के छोटे लॉसेस से कैसे बाजार से पैसा बना पाता है, ये मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कोई ओवरनाइट की पोजीशन नहीं, कोई कल का झंझट नहीं कि कल बाजार में क्या होगा, मेरी ओपन पोजीशन बची हुई है, मुझे किससे हैज करना है। इन सारी दिक्कतों से एक डे ट्रेडर दूर रहता है। मार्केट बंद होने से पहले वो अपनी सारी पोजीशंस खाली करता है। नो डाउट उस स्किल को एक्वायर करने में एक बहुत लंबा टाइम लगता है, जो यहाँ पे बियर स्ट्रीट के ट्रेडर वो लंबा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनकी ट्रेडिंग रिपोर्ट्स में ये कुछ दिखता भी है कि ये अपने इस ट्रेडिंग रिपोर्ट को किस तरह से निकालते हैं और ये कर पाते हैं। आइए मैं आपको बियर स्ट्रीट ट्रेडिंग फ्लोर की ट्रेडिंग रिपोर्ट शेयर करता हूं और डिटेल में समझाता हूं कि आज किस ट्रेडर ने क्या मुनाफा कमाया और क्या लॉस किया। आज फ्लोर का टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है 841.57 का, ये ग्रॉस प्रॉफिट है जिसमें ट्रेडर को फ्लोर को 87.82 डॉलर की ईसीएन रिबेट मिली है, और इस ईसीएन रिबेट की वजह से ये प्रॉफिट हुआ है 929.39। 533 ट्रेड पड़े हैं अभी तक बियर स्ट्रीट के ट्रेडिंग फ्लोर पे। ये प्रॉफिट कहाँ से निकल के आया है ये देखें तो ये वो अगेन ये बेबी स्टेप्स, छोटे स्टेप्स, जहाँ पे ट्रेडर अपने को प्लस में क्लोज करने की एक हैबिट डालता है, उसकी मशक्कत ये होती है, उसकी कोशिश ये होती है कि ही हैव टू क्लोज हिमसेल्फ अ ट्रेडिंग डे इन प्रॉफिट। वो ग्रीन में अपने को क्लोज करना चाहता है। उसका नतीजा ये है कि इस ट्रेडर ने सिर्फ दो ट्रेड डाले हैं, 50 का साइज है, इसका मतलब इसने 25 खरीदा होगा और 25 बेचा होगा। उसका नतीजा ये है कि ग्रॉस में इसको 1.25 का एक प्रॉफिट है, इसमें इसको ईसीएन रिबेट मिली है 0.06 की, जिस वजह से इसका प्रॉफिट है 1.31 US डॉलर। अगेन ये दूसरे ट्रेड रहे जिन्होंने नंबर ऑफ ट्रेड डाले हैं 6, 120 का साइज ट्रेड किया है, 120 शेयर्स इन्होंने ट्रेड किए हैं, इस 120 शेयर की वजह से इनका ग्रॉस प्रॉफिट है 4.81, इन्होंने फीस पे की है 0.41 की, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट है 4.41। ये एक ट्रेडर हैं जिन्होंने 13 ट्रेड डाले हैं, जिसका नंबर ऑफ ट्रेड्स किए हैं 360, ग्रॉस में 0.59 के लॉस में है, इनको फीस लगी है 0.84 की, जिसकी वजह से इनका लॉस है 1.44, -1.44। अगेन ये दूसरे ट्रेडर हैं जिन्होंने 10 ट्रेड डाले हैं, 240 शेयर ट्रेड किए हैं, -60.60, ये माइनस है, फीस लगी है इनको 0.25 की, जिसकी वजह से इनका लॉस हुआ है -0.85। ट्रेडर यहाँ पे कोशिश ये करता है कि यदि उसका लॉस है, लॉस कर रहा है, तो उसका लॉस बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि यदि उसको प्रॉफिट में जाना होगा तो पहले इस लॉस को कवर करना होगा, तब वो मंथ को प्रॉफिट में क्लोज कर पाएगा। और यही ट्रेडर की समझदारी है कि लॉस करते समय वो ट्रेडर अपने आप को ध्यान में रखता है कि उसे कितना लॉस करना है कि उसे कवर करने में दिक्कत ना हो। ये ट्रेडर जिन्होंने 30
तीन ट्रेड किए हैं, नंबर ऑफ ट्रेड 3 है, 40 शेयर ट्रेड किए हैं, इनको $2 का फायदा हुआ है, जिन्होंने 0.02 की इनको रिबेट मिली है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट है 2.02। अगेन दूसरे ट्रेडर 11 ट्रेड किए हैं, 800 शेयर ट्रेड किए हैं, ग्रॉस में इनको प्रॉफिट है 77.44 का, इन्होंने $4 की ECN फीस दी है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट रह गया 73.44। ये दूसरे ये बड़े ट्रेडर जिन्होंने 418 ट्रेड किए हैं, 153,800 शेयर्स ट्रेड किए हैं, ग्रॉस में इनको 581.51 का प्रॉफिट है, 65.67 का ECN रिबेट मिली है, जिसकी तरफ से इनका प्रॉफिट हो गया है 647.18। ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने इनमें ट्रेड किया है। इस तरह के ट्रेडिंग रिपोर्ट्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ये ओपनली कहीं कोई फ्लोर नहीं शेयर करती है। मैं ये क्यों शेयर कर पा रहा हूँ, मैं उन न्यूकमर से, उन कॉलेज ग्रेजुएट से ये बताना और दिखाना और समझाना चाहता हूँ कि ये भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है, डे ट्रेडिंग एक स्किल है जिसको सीखा जा सकता है, और एज ए प्रोफेशनल डे ट्रेडर एक प्रोफेशन में अपने को करियर एस्टेब्लिश किया जा सकता है। यदि हम लॉस एंड प्रॉफिट की बात करें तो ये क्वालिटी है, एक ट्रेडर की क्वालिटी है, यदि उसने जितने भी ट्रेड डाले हैं उन ट्रेड्स में यदि लॉस एंड प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ स्टॉक्स इन्होंने ट्रेड किए हैं लगभग 19 स्टॉक्स में, 19 शेयर्स में, लगभग 19 शेयर्स में ट्रेड किया है, जिसमें माइनस में रहे हैं तो इन्होंने 3 या 4 शेयर्स में यहाँ पे 30 का लॉस है। यहाँ पे हम बात करें, ये एक लॉस है, ये 3062 का लॉस है, दूसरा 116.47 का लॉस है, तीसरा -1.136 का लॉस है, और चौथा 0.18 का लॉस है। तो 19 शेयर्स ट्रेड किए हैं, 19 स्टॉक्स में इन्होंने ट्रेड किया है, जिसमें से 4 स्टॉक्स में इनको लॉस हुआ है और बाकी सब में फायदा हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि इन्होंने $647 का नेट प्रॉफिट अर्न किया है। ये एक दूसरे ट्रेडर हैं जिन्होंने नंबर ऑफ ट्रेड्स किए हैं 30,200 शेयर्स ट्रेड किए हैं, 175.75 का ग्रॉस प्रॉफिट है, 27.61 की ACN रिबेट मिली है, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट हो गया 203.36। इन्होंने HK और OCN करके ये स्टॉक है, ये NY का स्टॉक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक है ये, और इन्होंने 203.36 का प्रॉफिट किया है। ये लॉस एंड प्रॉफिट मिला के ट्रेडिंग फ्लोर का नेट प्रॉफिट है 929.39। ये ट्रेडिंग रिपोर्ट शेयर करने के पीछे मेरा लॉजिक सिर्फ इतना है, ये मैं एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी और नई करियर अपॉर्चुनिटी मैं शेयर करना चाहता हूँ बीयरस्ट्रीट ट्रेडिंग फ्लोर के माध्यम से अपने कंट्री के यूथ को, और ये बताने और समझाने की कोशिश करूँगा कि डे ट्रेडर एक अच्छा करियर है। यदि आप 1-3 साल इन्वेस्ट करने की हिम्मत रखते हैं तो नो डाउट आप एक बड़ा करियर पाथ अचीव कर सकते हैं। यदि आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो ये मैं अक्सर पहले भी ये ट्रेडिंग रिपोर्ट शेयर करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। होपफुली शायद एक दिन अपने कंट्री का एक यूथ, कॉलेज गोइंग ग्रेजुएट, कॉलेज पास आउट बच्चा, जो आज अपने को बेरोजगार बोलता है कि मेरे पास रोजगार नहीं है, वो यदि इस जॉब अपॉर्चुनिटी और ये प्रोफेशन की तरफ देखेगा तो डेफिनेटली उसे इसका आउटपुट मिलेगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू।